हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आरसीबी टीम से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। उनके युवा तेज गेंदबाज अविनाश सिंह को लेकर सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। इस अपडेट के बारे में, इस खबर के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई ये वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आरसीबी के फ़ैन हो तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिए, ताकि आरसीबी टीम से हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने उमरान मलिक की तरह बल्लेबाजों को 150 से ज़्यादा की रफ्तार से छक्के मारने वाले घातक गेंदबाज को अपनी फ्रेंचाइजी में शामिल कर लिया है। आखिर कौन है आरसीबी टीम से जुड़ा ये घातक गेंदबाज, आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। जम्मू कश्मीर के रहने वाले तेज गेंदबाज अविनाश सिंह को आरसीबी फ्रेंचाइजी ने 60 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा है 2023 के लिए। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने मुंबई और लखनऊ जैसी टीमों के लिए ट्रायल दिया था, लेकिन इस साल की नीलामी में कोहली की टीम ने उन्हें हैरान कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल मुंबई में हुए ट्रायल्स में उन्होंने आरसीबी के नेट गेंदबाज के तौर पर 154 से ज़्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी शुरू की थी। पहले वह टेनिस बॉल से गेंदबाजी कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अविनाश 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने में माहिर हैं। यही बड़ी वजह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि इस गेंदबाज ने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक भी मैच नहीं खेला है। हालांकि उनकी धारदार गेंदबाजी ने सभी का दिल जीत लिया है, जिसकी वजह से आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें चांस दिया है अपने स्क्वाड में। अविनाश जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। पूर्व खिलाड़ी मयंक गोस्वामी की एकेडमी में अविनाश सिंह ने पहली बार लेदर बॉल फेंकी। उनके पिता उनके खिलाफ खेलते थे, लेकिन मयंक ने अपने पिता से एक साल की मोहलत मांगी और यह भी कहा कि अगर वह एक साल में खुद को साबित नहीं कर सकते हैं तो वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अविनाश आज आरसीबी टीम के स्टार गेंदबाज बन गए हैं, जिसका श्रेय मयंक को जाता है। अविनाश की सफलता में मयंक की एक बड़ी भूमिका है। अगर वह ना होते तो शायद आज रास्ता भटक जाते। जम्मू कश्मीर के रहने वाले अविनाश सिंह के पिता पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। पिता उसे कनाडा भेजना चाहते थे अपने शौक को पूरा करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले टेनिस क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज वह मुख्य गेंदबाज के रूप में आरसीबी टीम में शामिल हो गए हैं। अविनाश का बचपन से ही फौजी बनने का सपना था, लेकिन वह फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया, जिसके बाद वह गिर पड़ा। वहाँ उन्होंने क्रिकेट खेलने का फैसला किया। वह घर में अकेला कमाने वाला है। पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, जिससे घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई है। तो दोस्तों, अविनाश जो है आरसीबी टीम के स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। इनको देखने के लिए काफ़ी फैंस जो है बेताब हैं। तो अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इन्हें खेलने का मौका दिया जाता है या फिर नहीं आईपीएल 2023 में। अगर आपको अभी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।